जहां एक ओर गर्मी अपने शबाब पर है तो दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का संकट छाया हुआ है। जिला मुख्यालय नरसिंहपुर के कई ग्रामों में पानी की भीषण समस्या बनी हुई है। एक तरफ जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जनता का मत लेकर भूल जाते हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आज मंगलवार को कलेक्टर की जन सुनवाई में गूंजी जल संकट की आवाज़। आज महिला स्व सहायता समूह व अन्य ग्रामवासी जल त्रासदी की शिकायत लेकर नरसिंहपुर कलेक्टर के सामने गुहार लगाते हुए नजर आए। दरअसल ग्रामवासी कई दिनों से जल संकट की समस्या से जूझ रहे हैं, पर वहां ना प्रशासन की नज़र जा रही है ना किसी जनप्रतिनिधि की। ऐसी भीषण गर्मी में आम जनता परेशान हो रही है। ग्रामीण महिलाएं 1 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लेने के लिए जाती हैं और ऐसी धूप में महिलाएं परेशान होने को मजबूर हैं। अपनी समस्या को लेकर समूह की महिलाओं ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन दिया और अपर कलेक्टर ने भी समस्या को बड़ी गंभीरता से लेते हुए आवेदन को पीएचई विभाग रेफर कर दिया और तुरंत समस्या समाधान के आदेश जारी किए। बहरहाल अब देखना यह है कि प्रशासन कब तक समस्या का समाधान कर पाता है। हम समूह वाली महिलाएं हैं, ग्राम थुआरी से आए हैं। हमारे ग्राम में पानी की बहुत समस्या है। हेड पंप है मगर बंद है सब। कुआं तालाब से पानी लाते हैं। कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? वहाँ कितने दूर से पानी लाते हैं? बहुत दूर से लाते हैं सर पानी। फिर ऐसे में काम कैसे कर पाती होंगी जब पानी में आप घंटा दो घंटा पानी ही लग जाते हैं? क्या समस्याएं आज ज्ञापन दिया? सर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। हेड पंपों में पानी निकल नहीं रहा। किलो 1 किलो 2 किलोमीटर से पानी ला रहे हैं हम, और पानी की तरह का खाना की बच्चों है। इसमें हम काम कैसे कर पाएंगे? धूप भी हो जाती है, पानी ही भरते रहते। नल में जाते 2-3 घंटा में आते हैं, 4-5 घंटे में पानी से। इसीलिए पानी की आवेदन लेकर आए हम। क्या कहा साहब ने? सर ने कहा है आपका काम हो जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा धनु भाई नाम है, ग्राम थुआरी से आए हैं। आशा कार्यकर्ताएं आई हुई थी पानी की समस्या को लेकर, उन्होंने आवेदन दिया है क्या? हाँ, हमारे सामने आवेदन लेके आई हूँ। पीएचई को हमने कहा है कि वो परीक्षण कराएंगे, उसमें ग्राम में पेयजल का क्या हैंड पंप की क्या स्थिति है, कितने होना चाहिए, कितने सूख गए हैं, या पाइप बढ़ाने की आवश्यकता है, या मोटर वगैरह की जो भी है, पीएचई उसका परीक्षण करेंगे। जो भी आवश्यक होगा सर। और आजकल ये जो अवैध नलकूप करने वाले ज़्यादातर सक्रिय हैं, जैसे तेंदुखेड़ा में बहुत ज़्यादा सक्रियता चल रही है उनकी। देखिए, शासकीय नलकूप से निरंतर पानी सप्लाई हो, इसी के तहत पेयजल परीक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। नलकूप पे रोक लगाई गई है कि आप नलकूप एक निश्चित दायरे में आप बिना अनुमति के नहीं खोल सकते। अगर कोई दुरुपयोग होता है, शिकायत आती है, तो लोगों को शिकायत करना चाहिए और जो संबंधित हैं उनसे हम लोग कार्रवाई कराते हैं। अभी तक कोई ऐसी लिखित में शिकायत नहीं आई है। अगर कोई ऐसी शिकायत है तो संबंधित SDM या तहसीलदार के नॉलेज में लाइए, निश्चित कार्रवाई।